दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपना 2 प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लिया है, जहां पर उन्होंने अपना पहला प्रैक्टिस कैंप जो है वो गुवाहाटी में ख़त्म किया था। 27 से 29 फरवरी के बीच में इनका पहला प्रैक्टिस कैंप चला था और इनका दूसरा प्रैक्टिस कैंप जो है वो नागपुर में 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में चला था और यह दोनों प्रैक्टिस सेशन इनका जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर कब तक राजस्थान रॉयल्स के 2 स्टार प्लेयर्स यानी कि स्टीवन स्मिथ, जॉस बटलर और बेन राजस्थान रॉयल्स का प्रैक्टिस कैंप ज्वाइन करने वाले हैं, कब से यह राजस्थान रॉयल्स की टीम से जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को देखते रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हो राजस्थान रॉयल्स टीम के फैन, चाहते हो कि आरआर बने आईपीएल 2020 में चैंपियन, तो फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से रिलेटेड, राजस्थान रॉयल्स से रिलेटेड इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले समय में आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टीवन स्मिथ के ऊपर। तो स्टीवन स्मिथ जो कि अभी ऑस्ट्रेलियाई टीम के हिस्सा है, इनका लास्ट T20I जो खत्म होगा वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 29 मार्च को खत्म होगा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 3 T20 मैचों की सीरीज खेल रही है। तो ऐसे में 29 मार्च को स्टीवन स्मिथ लास्ट T20 खेलेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और उसके बाद उनका ऑस्ट्रेलिया से यहां इंडिया ट्रैवल करना होगा। तो दोस्तों यहां पर 2-3 दिन का समय लग सकता है, तो ऐसे में वह 31 से 1-2 मार्च के अप्रैल के बीच में वह इंडिया पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में संभावना यह है कि स्टीवन स्मिथ डायरेक्टली आपको ग्राउंड पर नजर आए, वह राजस्थान रॉयल्स की टीम के कोई भी प्रैक्टिस कैंप में आपको हिस्सा लेते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं 2 स्टार प्लेयर बेन स्टोक्स और जॉस बटलर के बारे में। ये दोनों इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, काफी तगड़े प्लेयर हैं और इन दोनों के अवेलेबिलिटी के ऊपर आपको बता दिया जाए प्रैक्टिस कैंप में या कब से ज्वाइन करेंगे तो इनका भी संभावना बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि श्रीलंका की टीम के साथ इंग्लैंड का सीरीज चलने वाला है और 31 मार्च को वह सीरीज का आखिरी दिन समाप्त होगा। तो ऐसे में डायरेक्टली बेन स्टोक्स और जॉस बटलर आपको डायरेक्ट इंडिया में आएंगे और ये दोनों प्लेयर भी राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में ये तीनों स्टार प्लेयर राजस्थान रॉयल्स की टीम के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं होंगे, डायरेक्टली आपको ग्राउंड पर नजर आएंगे। तो ऐसे में यह तीनों प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं डेविड मिलर और हुसैन थॉमस के ऊपर, क्योंकि ये दोनों फॉरेन प्लेयर और साथ साथ टॉम करन के ऊपर भी आपको बता दिया जाए। तो ये तीनों प्लेयर की संभावना ये है कि जब राजस्थान रॉयल्स की टीम जयपुर में अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेगी तो वहां पर ये तीनों प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। यहां पर टॉम करन का संभावना थोड़ा सा कम, क्योंकि टॉम करन अगर इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होते हैं तो ऐसे में वो भी प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा नहीं होंगे और डायरेक्टली इंडिया में मैच खेलने के लिए आएंगे, आईपीएल खेलने के लिए आएंगे। तो डेविड मिलर और हुसैन थॉमस 2 ऐसे फॉरेन प्लेयर होने वाले हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स के प्रैक्टिस सेशन में आपको कंसिस्टेंटली नजर आएंगे जब राजस्थान रॉयल्स की टीम जयपुर में अपना प्रैक्टिस कैंप लगाएगी। और दोस्तों आपको बता दें बेन स्टोक्स, जॉस बटलर और स्टीवन स्मिथ कब अवेलेबल होंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए, तो इस पर सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि इन तीनों प्लेयर्स का सीरीज चल रहा है, तो ऐसे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि कब तक यह तीनों प्लेयर राजस्थान रॉयल्स की टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एक मैच ही मिस करे, 1 से 2 मैच मिस करे, उसके बाद ये सभी प्लेयर्स आपको खेलते हुए नजर आ जाए। मेरे अंदाजे से तो ये सभी प्लेयर्स शुरू के मैच से ही अवेलेबल रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह सभी प्लेयर्स अवेलेबल हो पाएंगे के मैचेज में या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और दोस्तों ये थी मेरी तरफ से छोटी सी अपडेट इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों आज के सुनने में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।